एक्सपो सेंटर जोहटॉन में दूसरा सालाना फार्मा कन्वेंशन एहतमाम पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने किया। सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल डॉक्टर जक्काउर रहमान, हामिद रजा, उस्मान गनी, अबू बकर सदीक की शिरकत, फार्मा इंडस्ट्री के मालिकान, ड्रैप के नुमाइंदगान, स्कॉलर्स और इंटरनेशनल रिसर्चर्स भी शरीक हुए। कन्वेंशन में मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने स्टॉल भी लगाए। हार्मिन फार्मास्यूटिकल के मालिक मोहम्मद हसीब का कहना था कि पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री बेहतरी की जानिब गामजन है। इस वक्त आलमी मैयार की अदविया पाकिस्तान में तैयार की जा रही है। बेसिकली इसका मकसद ये था कि हम आवाम को और दुनिया को दिखाएं कि हम यहाँ पे किस क्वालिटी की मेडिसिन बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग सर्टिफाइड हैं, ISO हैं, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन हमारे पास हैं, हमारी कुछ कंपनीज हैं जो कि MHRA हैं। इस वजह से इनको हमने इधर लेके आए हैं और ये जो है ना, ये तमाम एग्जिबिट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स। रास्को फार्मास्यूटिकल के मालिक मोहम्मद आमिर का कहना था कि चंद बरसों में पाकिस्तानी फार्मा इंडस्ट्री में बहुत तरक्की हुई है, अदविया का मयार बेहतर होने पर बरामदात में इजाफा हुआ। इसका जो मेन मकसद है वो तो ये है कि हम लोग अपने जितने भी जनरल पब्लिक है उनको अवेयर करने की ये सारा इवेंट किया गया कि हम बताएं कि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कितने लेवल के ऊपर काम कर रही है। इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर से हमारे इंग्लैंड के अंदर भी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट्स की जा रही हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि दुनिया के हर एक कोने के अंदर पाकिस्तान से जा रही हैं। कन्वेंशन में फार्मा इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग के मुख्तलिफ मराहिल, मशीनरी और अदविया की तैयारी के हवाले से भी आगाह किया गया। कैमरामैन बाबा रियाज के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़।